अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ डॉक्टर इब्राहिम नईम, एस्थेटिक एंड न्यूट्रिशन फिजिशियन एट द रिजुविनेट क्लिनिक। और आज मैं अपने पेशेंट मुआज के साथ हूँ। मुआज ने वेट लॉस किया है, इनसे पूछते हैं। ही बेसिकली फॉलोड द डाइट एंड एक्सरसाइज प्लान विद सप्लीमेंट्स जो हम प्रोवाइड करते हैं, एंड 45 डेज का प्रोग्राम इन्होंने कम्प्लीट किया आज। एंड इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कितना वेट लूज किया और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अच्छा, आप थोड़ा शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस। आपने एक तो लूज कितना किया इन 45 डेज और आपका कैसा एक्सपीरियंस हो गया? सो जब मैं आया था मेरा वेट था 92 केजीज एंड आज जब हमने चेक किया तो इट्स अबाउट 83 केजीज। सो आई हैव लॉस्ट 9 केजीज इन टोटल। माय टारगेट वाज 10 केजीज बट आई थिंक काफ़ी नियर आगे टारगेट के, विच इज़ वेरी गुड। जो डाइट प्लान मुझे दिया गया था मैंने ऑब्वियसली उसको रिलीजियसली फॉलो किया, एक्सरसाइज की है एंड द रिजल्ट्स आर देयर एंड आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स एंड थैंक यू टू डॉक्टर इब्राहिम। उन्होंने इतना मज़ेदार किस्म का डाइट प्लान बना के दिया और मुझे साथ जो भी इंस्ट्रक्शंस दी आई फॉलोड देम एंड आई वुड रियली रियली टेल एवरीबॉडी कि वो आए इनके पास और इनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। मेरी एक प्रॉब्लम थी नीज की, जिसके लिए इन्होंने एक टेलर्ड टाइप का प्लान बना के दिया और मेरा एक्सरसाइज प्लान भी उसके अकॉर्डिंगली था, विच हेल्प मी अलॉट। सो आई थिंक सबको इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए एंड फॉर मी ऑल द क्रेडिट गोज़ टू हिम एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर इज वेल। एंड इवन मैं भी अगर फ्यूचर में अल्लाह ना करे मुझे जाना पड़े बट दोबारा आना होगा तो आई विल डेफिनेटली कम बैक टू हिम। वेरी नाइस वर्ड जी, बहुत अच्छा। एक मेरा छोटा सा सवाल था आपसे कि ये बताइए कि डाइट मुश्किल तो नहीं लगी, वाज इट डिफिकल्ट टू मैनेज या एक्सपेंसिव तो नहीं थी उसके बारे में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड आई रिमेम्बर जब मेरी फर्स्ट आपसे मीटिंग हुई थी मैंने यही रिक्वेस्ट की थी और आपने कहा था ऐसा नहीं होगा एंड इट वॉज वेरी इजी। बेसिक घर की ही चीजें थी एंड फॉलो करना आई बिलीव वो थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर आपकी लाइफ स्टाइल थोड़ा खराब हो, इन दैट एस्पेक्ट थोड़ा मुश्किल होता है। बट इन प्योर सेंस डाइट की जो चीज़ें थी, डाइट की जो खाने थे वो बड़े सिंपल थे, बेसिक थे, घर की चीज़ें थी और बिल्कुल भी महंगा नहीं लगा। वही बता रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल मुझे कोई भी चीज़ ऐसे मेरे लिए नहीं थी कि मुझे लानी पड़ी। वही फ्रूट, वही वेजिटेबल्स जो घर में होती हैं, वही मीट। सो आई थिंक इतना तो खास एक्सपेंसिव नहीं। बस मेरे यही पूछने का मकसद ये था कि मेरा कोशिश यही होती है कि जितना आसान रख सकें उतना अच्छा होता है, बिकॉज अगर आप मुश्किल बनाएं तो अगर मील्स लेट से 5 या 6 मील्स हो जाएं दिन में तो वो भी मुश्किल होता है मैनेज करना। और अगर वो एक्सपेंसिव चीज़ें हो जैसे एवोकाडोज एंड वो बुलेट प्रूफ फ्लावर थे, वो जो फैंसी चीज़ें आपको गूगल पे मिलती हैं, तो वो प्रैक्टिकली है ना वो सारा कुछ। तो कोशिश तो यही होती है। चलिए, वेरी नाइस टू सी योर रिजल्ट, मैं आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। और इसको मजीद आई वुड रेकमेंड कि आप करते रहें डाइट ताकि 2-4 केजी और भी लूज हो जाए आपका और आप 80 तक पहुंच जाए। डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।